नमस्कार साथियों, रोहित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हार्ड सभ्यता के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हार्ड सभ्यता उदयपुर नगर की पूर्वी दिशा में रहने वाली आयड या बेड़च नदी के तट पर स्थित है जो आर्ट सभ्यता उदयपुर नगर है उसकी पूरी दिशा में बहने वाली जो आयड है, या हमें उसे बेड़च नदी के नाम से भी जान सकते हैं, उसके तट पर जो अपनी आर्ट सभ्यता है वो स्थित है। आर्ट सभ्यता को प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। आहड़ सभ्यता को प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। आहड़ सभ्यता को प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से जाना जाता था और इसे 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहड़ को अघाड़पुर या अघाड़दुर्ग भी कहा जाता था। आहड़ सभ्यता को 10वीं वह 11वीं शताब्दी में अघाड़पुर या अघाड़दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। आहड़ सभ्यता को 10वीं और 11वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था? अघाड़पुर। वर्तमान में आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम धूरकोट था। आहड़ सभ्यता का वर्तमान में वहां के स्थानीय लोगों द्वारा धूरकोट के नाम से जाना जाता है। जो स्थानीय लोग हैं आहड़ सभ्यता में रहने वाले, वो इसे क्या कहेंगे? धूरकोट के नाम से। यह एक धूरकोट मिट्टी ध्रुव 16 फीट लंबा और 550 फीट चौड़ा जो अपने प्राचीन अवशेषों को दबाए हुए है। आहड़
सभ्यता के उत्खनन उत्खनन के कार्य से जो अघाटपुर या अघाट ध्रुव जो दीवारों की लंबाई 550 फीट लंबी एवं 250 फीट चौड़ी थी जो कि यहां के पूरा स्थलों को दबाई हुई थी जो भी स्थल थे उनको 550 फीट लंबे और 250 फीट जो चौड़ी दीवारें थी उसमें अवशेषों के अंदर गिरा हुआ था। ये ध्रुव जो बना हुआ था अघाटपुर या घाटपुर या ध्रुव के नाम से जाना जाता है आर्य सभ्यता, वो इसी दीवारों के प्राचीन अवशेषों से दबी हुई थी। आर्य सभ्यता ग्रामीण संस्कृति के समान थी। आहार उत्खनित स्थलों को महासातिमा टीला भी कहा जाता है। आहार सभ्यता एक संस्कृति सभ्यता थी। आहार सभ्यता के उत्खनन स्थलों को महासत्याओं का टीला कहा जाता है। आर्य सभ्यता के उत्खनन स्थलों को महासत्याओं का टीला भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। मेवाड़ के महाराणा थे उनका शमशान भी आहार सभ्यता ही था। मेवाड़ के महाराणा का स्थल आहार या दूरकोट ही था। क्या था? दूरकोट। और इसकी खोज हुई 1953। इसके द्वारा की गई अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। सर्वप्रथम लघु स्तर पर जो उत्खनन का कार्य भी पंडित अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा ही किया गया। आहार सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1953 ईस्वी सन में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा
कीवी और इसके लघु स्तर पर उत्खनन का कार्य भी पंडित अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया जबकि व्यापक स्तर पर, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्यापक स्तर पर इसकी खोज या उत्खनन का कार्य किसने किया, तो इसका व्यापक स्तर पर आशी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1954 से लेकर 56 में आहाड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। इसके पश्चात 1961 से लेकर 62 के बीच वी एन मिश्रा एवं एच डी सांकलिया पूना विश्वविद्यालय द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। आहड़ सभ्यता का व्यापक स्तर पर उत्खनन का कार्य आरसी अग्रवाल द्वारा आशी अग्रवाल द्वारा 1954 से 1956 ईस्वी सन के मध्य किया गया। आहार सभ्यता का व्यापक स्तर पर उत्खनन का कार्य आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया। और इसके बाद में जो 1961-62 में वी एन मिश्रा एम एच डी सांकलिया आहार सभ्यता का व्यापक स्तर पर 1961 से 1966 के मध्य जी एन मिश्र एवं एच डी साकलिया द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। एच डी सांकलिया द्वारा, ठीक है। फिर ये एच डी सांकलिया और बी एन मिश्रा, इसकी टीम थी वो पूना विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है। अब डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का जो काल बताया वो 1900 ईसा पूर्व से और 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। डॉक्टर गोपीराम शर्मा द्वारा आहड़ सभ्यता का काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना, क्या माना? 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना, जबकि वहां के जो मर्दभांड और जो उत्खनन स्थल से
अन्य महत्वपूर्ण उपकरण मिले उनके आधार पर भी अलग डेट बताई गई, 2000 से और 1000 के बीच माना जाता है। और इसके अंदर जो आहड़ में भवन के निर्माण थे वो एक पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति की तरह थे, यहाँ के निवासी भवन के निर्माण के दौरान नीम में पत्थर डालकर भवनों का निर्माण करते थे। क्या करते थे? पत्थरों का निर्माण, भवनों के अंदर जो भी पत्थर लगाए देते थे उनका प्रयोग करते थे, इसीलिए इसे ग्रामीण संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आहड़ सभ्यता में प्राचीन भवनों के निर्माण में जो नींव रखी जाती थी वह पत्रों द्वारा निर्मित की जाती थी। किसे की जाती? पत्रों द्वारा निर्मित की जाती, इसीलिए आहड़ सभ्यता को ग्रामीण संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा जाता है इसे? ग्रामीण संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आहड़ से जो 45 फुट लंबे भवन के अवशेष मिले हैं वो आहड़ सभ्यता से मिले। मकानों में औसतन 2 या 3 चूल्हे मिले, वो भी आहड़ सभ्यता से मिले। एक मकान में तो 6 चूल्हे प्राप्त हुए, जिनमें से एक पर मानव हथेली की छाप भी थी। आहड़ सभ्यता में सर्वप्रथम 45 फिट लंबा भवन मिला, जो कि अन्य स्थलों पर नहीं मिले। यह भी एक आहड़ सभ्यता की प्रमुख पहचान है। क्या है? पहचान रखता है, क्योंकि 45 फुट के लंबे भवन के अवशेष कहीं नहीं प्राप्त हुए। जो राजस्थान में जो भी सभ्यताएं हैं उनमें ऐसे अवशेष देखने के लिए नहीं मिला। और जो मकान थे उनमें औसतन 2 या 3 चूल्हे भी प्राप्त हुई। आहड़ सभ्यता में कई भवनों में 2 या 3 चूल्हे प्राप्त हुए, जिनमें एक भवन से तो एक साथ छह चूल्हे भी प्राप्त हुए, जिसमें हमें यह देखने को
मिला कि एक भवन के चूल्हे पर, भवन के चूल्हे पर मानव के हाथ की अंगुलियों के निशान, अंगुलियों के निशान प्राप्त हुए। ये एक मात्र सभ्यता थी जिसमें चूल्हे भी प्राप्त हुए। उन चूल्हों में मानव की जो अंगुली है उनकी छापे भी प्राप्त हुई मानी जाती हैं। आहड़ के भवनों की जो रसोई है उनमें अनेक सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं। सिलबट्टे जो हम बड़े पत्थर के होते थे, जैसे उसमें कई मसाले पीसने के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसे 4.3 फीट का भी एक सिलबट्टा प्राप्त हुआ। आहड़ सभ्यता के भवनों में सिलवट्टे भी प्राप्त हुए माने जाते हैं। एक भवन से जो सिलबट्टा प्राप्त हुआ उनका आकार 4x3 फिट था। ये इनकी प्रमुख विशेषता थी। आहड़ सभ्यता के भवनों में जो सिलबट्टे प्राप्त हुए उनका आकार 4x3 फुट था। आहड़ के उत्खनन के दौरान अनाज जो रखे जाते थे उन्हें स्थानीय भाषा में मर्दबांड और गोरे या गोट के नाम से भी जाना जाता था। जो मर्दबांड थे उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते थे, गोरे या गोट कहा जाता था। आहड़ सभ्यता में जो अन्न के भंडार थे उसे उसे रखने का रखन रखने के मृद भांड थे उसे स्थानीय भाषा में गोरे या औट कहा जाता था। आर सभ्यता में जो उनके भंडार थे उससे रखने के लिए मर्दबांड थे उससे स्थानीय भाषा में गोरे या औट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोरे या औट कहा जाता था। औट या औट है, औट कहा जाता था। जो कार्बन ट्रेडिंग 14 वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार आर्ट सभ्यता का काल बताया वो 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। कार्बन 14 वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार आहड़ सभ्यता का जो काल बताया
बताया गया वह 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य बताया गया। उन्नीस सौ और 1200 ईसा पूर्व के मध्य बताया गया, जबकि वहां उत्खनन स्थल में जो तांबा के बर्तन या मर्तबांड की डिजाइन के आधार पर 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व काल में पहाड़वासियों का संबंध ईरान से भी बताया गया। आहड़ सभ्यता में जो तांबे के बर्तन एवं वहां के मृतभांड बांध प्राप्त हुए, उनके अनुसार आहड़ सभ्यता का जो काल था वह 1900 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। आहड़ सभ्यता में जो तांबे के बर्तन एवं वहां के जो मर्तबांड प्राप्त हुए उनके अनुसार आहड़ सभ्यता का स्मृति काल माना जाता है 1900 से 1000 ईसा पूर्व वह माना जाता है। आर की उत्खनन के दौरान 8 स्तर मिले जिन्हें प्रातत्विक सामग्री के आधार पर 3 चरणों में बांटा गया है। आहड़ के उत्खनन के दौरान जो 8 स्तर मिले आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य के दौरान जो स्थल प्राप्त हुए उन्हें 8 स्तरों पर पूरा अब एक स्तरों के आधार पर बांटा गया जो कि इनके महत्वपूर्ण स्तर थे वह 3 भागों में बटे हुए थे जो इसके महत्वपूर्ण स्तर थे वो 3 भागों में, पहले तो 8 स्तर को बांटे उनको फिर 3 चरणों में बांट दिया गया। पहला चरण था स्फटिक जो पत्थर के प्रयोग और औजारों व उपकरण के आधार पर बांटा गया था, और जो दूसरा था वो ताम्र आसा व लोहे के उपकरण के आधार पर था, तीसरा था बहुमूल मिट्टी वह कालीन मुलायम जो पत्थर प्राप्त हुए उनके आधार पर बांटा गया था। प्रथम स्तर स्फटिक पत्थर
उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर, आधार पर। दूसरा है मिट्टी एवं मुलायम पत्थर के आधार पर, आधार पर। तीसरा था तामा कासा एवं लोहे के उपकरण के आधार पर, आधार पर हड़प्पा सभ्यता जो उत्खनन स्थल थे उन्हें पुरातात्विक विभाग द्वारा तीन स्तर बताए। यह इन प्रातिक विभाग द्वारा ही बताया गया कि प्रथम स्तर इसकी पत्थर का है और मिट्टी मुलायम पत्थरों के आधार पर, तांबा पासा एवं लोहे के आधार पर बताया गया। उसके बाद में जो भवन मिट्टी के बनाए जाते थे काले पत्थर और मुलायम के आधार पर भी इसी में बता दिया गया। आहार सभ्यता की जो मर्तमांड रूठी तपाई विधि के पकाने के जाने के कारण विशिष्ट रंग के बनाए जाते थे। रूठी तपाई होती थी उनकी, जो उपकरण बनाए जाते थे मिट्टी के, जो भी औजार बनाते थे रूठी तपाई द्वारा ही किए जाते थे। उसे उत्कीर्ण भी कहा जाता है, उत्कीर्ण या वैज्ञानिक विधि द्वारा अपचयन विधि या जल शमन विधि की क्रिया द्वारा भी इसे दर्शाया जा सकता है। टेराकोटा जो मणमूर्ति मिली वो आहार सभ्यता से ही प्राप्त हुई। बिना आते के जो छोटे जल पात्र प्राप्त हुए वो भी यहीं से माना जाता है। कहां से? आहार सभ्यता से। आहार सभ्यता से प्राप्त प्राप्त हुए उल्टी तपाई के व्रतन भी प्राप्त हुए, प्राप्त हुए। इसे उत्कीर्ण विधि द्वारा बनाया जाता था, बनाया जाता था और जो मिट्टी के बर्तन को बनाने की विधि, बनाने की विधि थी वह आग से पकाया जाता था, पकाया जाता था। इसीलिए इन बर्तनों को टेराकोटा के नाम से भी जानते हैं, जानते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि थी वह आग से पकाया, और आग से पकाने के बाद जो इसकी विधि ठहराई जाती थी वो टेराकोटा के नाम से जानी जाती थी। और बिना तेज जो छोटे जल के पात्र भी प्राप्त हुए यहाँ पे आहड़ सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से
बिना हते, बिना हते के जल पात्र प्राप्त हुए, वह भी इससे ईरान एवं बलूचिस्तान बलूचिस्तान सभ्यता की ओर संकेत प्राप्त करता है, संकेत प्राप्त करता है। इससे ये पता चलता है कि ये जो आर्य सभ्यता में बिना हत्ते के जल पात्र प्राप्त हुए थे वो सबसे पहले ईरान सभ्यता और बलूचिस्तान से ही प्राप्त हुए थे। इसी कारण ये संकेत दर्शाता है कि आर्य सभ्यता से भी, ये आर्य सभ्यता थी, ईरानियों की सभ्यता के नाम से भी कह सकते हैं, इसे इसके नाम से भी जानते हैं। आर्य सभ्यता से, आर्य सभ्यता सभ्यता से एक खंडित नारी की मरण मूर्ति भी प्राप्त हुई, भी प्राप्त हुई। इनकी प्रमुख विशेषता विशेषता थी कि कमर पर लहंगा लहंगा पहना हुआ था। ऐसा अवशेष अवशेष अन्य स्थलों पर देखने को नहीं मिला, नहीं मिला। ऐसा आपत्ति रास्ता नहीं हुआ, एकमात्र सभ्यता थी इसमें ये मंडोटाई नाम जो आहार सभ्यता में बैल की मरण मूर्ति भी प्राप्त हुई, जिसे बन या सीन फुल टेराकोटा के नाम से भी जाना जाता है। आहार सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। आहार सभ्यता के प्रमुख
द्वारा सर्वप्रथम प्रथम प्रसी में चावल की प्रसी की गई। यह अहड़ वासियों की प्रमुख फसल मानी जाती है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।